हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल से इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे निकल सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला बात आती है यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाई हीटिंग द मेटल। मतलब ये मेरे पास मेटल सरफेस है, मैंने हीट दी, हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो हीटिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको थर्मोनिक एमिशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फील्ड एमिशन। तो बेटा, फील्ड एमिशन का मतलब है जो मेटल आपके पास है इसको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर निकलेंगे, या हीट की वजह से निकलते हैं क्योंकि इसके अंदर तो होते ही हैं पहले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मेटल को हीट करेंगे, एनर्जी मिलेगी और सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए जिससे वो बाहर निकलें तो बाहर आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनको एनर्जी मिलेगी और सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो इसकी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए जितनी बाहर निकलने के लिए चाहिए तो ये बाहर आ जाएंगे। जस्ट एनर्जी चाहिए इनको बाहर निकलने के लिए, उतनी मिल जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। तरीका कोई भी हो सकता है, हीट का हो चाहे इसका हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें तीसरा मेथड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। इसमें क्या होता है, मेटल है हमारे पास, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरे, इनको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की सफिशिएंट एनर्जी है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इनको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गिरे, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जब ये आए और इन इलेक्ट्रॉन से टकराए, अपनी सारी एनर्जी इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। देखो, यही पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी क्योंकि ये भी पार्टिकल है, तो एनर्जी और मोमेंटम सारा इसको दे दिया। अब ये तो यहीं पड़ा रहेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, बेसिक बातें सारी। इसके बाद काम की बात करें, चौथा आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है। देखो, ये मेरे पास कोई मेटल है, हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है जो मैंने बताया था। इसके ऊपर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी, समझ रहे हो, एच न्यू इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on metal surface, when light of suitable frequency falls on metal surface then electrons are emitted। suitable frequency क्या होती है बताता हूँ आपको। अभी हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकले। तो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ जो ये न्यू है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दीज आर फोटॉन्स। ठीक है, ओके। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो चार मेथड हैं, एक में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक में हीट करने से निकलेंगे, एक में इलेक्ट्रिक से निकलेंगे, एक में फोटोन के इंसिडेंट से निकलेंगे, और यही आगे जाके क्या कहलाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वही बात है जो हमने अभी पढ़ी थी। ये मेटल है, इसके ऊपर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनको बोला हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है भाई, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकले, समझ रहे हो ना? तो लाइट गिरी, गिरी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोटोन है बिहेव एज पार्टिकल। ठीक है, एंड गिव इट्स टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन। फोटोन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और अपनी सारी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसीलिए ये पार्टिकल नेचर कहलाता है। पार्टिकल में क्या है, सिंगल पार्टिकल इवेंट होती है, वेव में तो स्प्रेड हो जाती है एनर्जी, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कोलिजन है। समझ रहे मेरी बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ऐसे होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात यह आती है कि डिफरेंट मेटल डिफरेंट वर्क फंक्शन, नेचर भी अलग अलग होता है। तो ऑल एल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा, गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन मेटल्स के लिए, बट मेटल्स लाइक जिंक कैडमियम एक्सेट्रा गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट के लिए ये देते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए कि एल्कली मेटल्स भी देती हैं, जब नीट वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ऐसी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ओके, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा भाई, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात आती है
एक्सपेरिमेंटल स्टडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है। मतलब एक वैक्यूम ट्यूब ली गई, इसमें दो प्लेट लगाई गई इस टाइप से, ये एमीटर है, ये माइक्रोएमीटर बहुत कम करंट को भी डिटेक्ट करेगा। वेरिएबल बैटरी ले ली, ये कैथोड, ये एनोड, पता है आपको एनोड। यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सोर्स है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये सोर्स, कैथोड क्या होता है, सबसे पहली बात आती है कैथोड क्या है। कैथोड प्लेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, तो बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। एनोड हमेशा पॉजिटिव पे होता है, तो पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। यहाँ एरो का मतलब बैटरी वेरिएबल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको लेके कुछ ऑब्जर्वेशन की गई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन की गई वो पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर वन, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज इंक्रीज्ड, माइक्रोएमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, मीन्स नो करंट, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पहुँचेंगे तो करंट आएगा, करंट नहीं आ रहा। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी, यहाँ जो मेरे पास ये सोर्स है, सोर्स से जब लाइट आई, समझ रहे हो ना, सोर्स से लाइट गिरी, कितनी गिरी, एच न्यू, एच सी बाई लैम्ब्डा, सुइटेबल फ्रिक्वेंसी की। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, फिल्टर लगे होते हैं, कलर, कलर का मतलब डिफरेंट कलर के, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे गिरेगी, एस सी वाई लैम्डा, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, लाइट इंसिडेंट की मेटल के ऊपर, देन माइक्रो एमीटर शोज डिफ्लेक्शन, माइक्रोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। मतलब अभी हमने मान लो यहाँ पे की लगा दी, समझो, जब यहाँ पे लाइट गिरी, लाइट गिरी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन कैसी लाइट गिरी, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। When light incident on metal, then shows deflection. Electrons are emitted from cathode. All have different speeds, zero to max. सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, किसी की जीरो, किसी की मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिचिज एनोड एंड फॉर्म्स करंट, मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी ज़्यादा एनर्जी है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचेगा तो करंट बनाएगा। इसका मतलब लाइट जब गिरी उसके लिए, अभी ये ऑन है, समझो, लाइट जब गिरी इलेक्ट्रॉन निकले, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी
जीरो से मैक्सिमम है, जिनकी एनर्जी कम है वो तो यहीं रह जाएंगे आसपास, जिनकी ज़्यादा है वो आगे पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो करंट आएगा। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे? नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे, उनकी वजह से करंट आया, बाकी नहीं आया। इनिशियली इसका पोटेंशियल क्या था? जीरो, क्योंकि बैटरी, क्योंकि हमने की ऑफ कर रखी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, की को ऑन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? की को ऑन करेंगे, की को ऑन कर देते हैं। और देखो, दो पॉइंट हो गए आपके पास, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव, एनोड को पॉजिटिव कर दिया, देन करंट इंक्रीजेज। क्यों करंट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब इसको पॉजिटिव कर देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अपने आप पहुँच रहे थे हाई एनर्जी वाले, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँचेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुँचेंगे, और ज़्यादा पॉजिटिव करोगे तो और ज़्यादा पहुँचेंगे। इसका मतलब एनोड को पॉजिटिव करते हैं तो आई इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है? आई इंक्रीज होगा, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ? अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी का मतलब सोर्स को पास लाना, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है सोर्स को पास लेके आ रहे हैं, सोर्स को पास लेके आएंगे तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, सोर्स को ज़्यादा पास लेके आएंगे तो ज़्यादा फोटोन बढ़ेंगे, नहीं तो देखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट करंट इंक्रीजेज। इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या टोटल एनर्जी, क्योंकि फोटोन एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होना, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पहुँचेंगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने, इंटेंसिटी अगर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा गिरेंगे, फोटॉन ज़्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा। सो करंट इंक्रीजेज, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है? करंट। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है? करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है? करंट। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, इधर मैं लेता हूँ करंट, इधर मैं लेता हूँ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से करंट बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ग्राफ हमने बना दिया ये इसके डायरेक्टली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने फोटॉन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक टर्म डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, एफिशिएंसी ईटा, ईटा लेस देन वन ऑलवेज,
ईटा की वैल्यू हमेशा एक से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फोटोन जो गिरेगा वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ना भी निकले, क्योंकि उस फोटोन की जो एनर्जी है जरूरी ना है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो चाहिए उतनी हो। तो जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो एफिशिएंसी को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन पेपर में अगर आ जाए ग्राफ बताओ करंट और इंटेंसिटी के लिए, ये आएगा तो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कौन सा करंट? फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखो, इफ़ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब यूज फिल्टर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि डिफरेंट कलर का मतलब अलग अलग कलर, अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देन आई करंट डू नॉट चेंज, मतलब अगर हमने फिल्टर अलग अलग लगाए तो हम नोट करते हैं करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? करंट या फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इसके लिए तो ये ऐसा आएगा कुछ, क्यों? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी करंट आएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो थ्रेशोल्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट आया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे किस पे फ़र्क पड़ता है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से किस पे फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे अभी। क्या ये बात समझ में आई? करंट फ्रीक्वेंसी और करंट इंटेंसिटी, अगर आप समझ में आ गया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्व की, करंट और पोटेंशियल। देखो करंट है, पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल। तो करंट और एनोड पोटेंशियल की बात करें तो क्या आएगा? लाइट गिरी है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर फिक्स्ड, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दी, एक कलर ले लिया और एक जगह सोर्स को फिक्स कर दिया। अब क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कुछ पहुंचेंगे यहाँ पे, समझना अच्छे से, ठीक है। तो एक बार इसको हटा दो, तो पोटेंशियल जीरो है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो करंट आएगा। इसके बाद अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और एनोड को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो एनोड पॉजिटिव करने से मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 100, 100, अपने आप कितने पहुँच रहे थे, 10। इसके बाद मैंने एनोड को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने से इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, कितने हो गए, 20, और पॉजिटिव किया और खींचे, 30, 40, 50, मतलब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया, इलेक्ट्रॉन खींचते गए, बढ़ाते बढ़ाते एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको ये खींच लेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचेगा। क्यों? यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है, जो बहुत फास्ट थे वो अपने आप पहुँच गए, जो बहुत स्लो थे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। ये इतना स्ट्रांग पोटेंशियल हो जाए कि स्लो वाले को भी खींच ले, तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है, और सारे को खींच रहा है तो इसका करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो,
इस ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया, इसका क्या मतलब है देखो, पोटेंशियल बढ़ाया, ये बढ़ा लीनियरली, यहाँ पे आने के बाद ये सैचुरेट हो गया, इसको क्या बोलेंगे सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास पहुँच गए, ठीक है। अब पोटेंशियल को इंक्रीज करने से क्या करंट आया था पहले शुरू शुरू में, मेरा पहला पॉइंट नहीं आया था, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले से अवेलेबल है उनको खींचेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से नहीं निकाल सकता ये, नहीं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच गए तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम, इसके बाद पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो कर दो। अब पोटेंशियल क्या कर दो, नेगेटिव, मेरी बात समझ रहे हो, मेक द एनोड पोटेंशियल नेगेटिव, एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव कर दो। अब ये नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्पीड के इलेक्ट्रॉन है वो तो पहुँचेंगे, बाकी नहीं पहुँचेंगे, और ज़्यादा नेगेटिव कर दो, और ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो जो फास्ट इलेक्ट्रॉन थे उसका भी अपोज करेगा, लेकिन वो इतने तेज हैं कि पहुँच रहे हैं अभी, और नेगेटिव करो तो एक टाइम पे जाके इसका पोटेंशियल इतना नेगेटिव हो जाएगा कि फास्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का जिसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँचे, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा तो करंट क्या हो जाएगा जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। मेक द एनोड पोटेंशियल नेगेटिव एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल, नो इलेक्ट्रॉन रीच एनोड सो करंट बिकम्स जीरो, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या मेरी बात समझ भाई, क्या बोलते हैं इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नोट कर लिया। इसके बाद देखो अगर हम डिफाइन करें बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका भी तो पोटेंशियल है ना, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जिसके लिए करंट क्या हो जाए जीरो, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे करंट जीरो का स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये बात बताओ, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब रास्ते में रुक गए, उसका मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, किस में चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ½mv² vmax किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल ev0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे चार्ज इनटू पोटेंशियल ब्रेकडाउन होता है ना, पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी, तो ½mv, तो ये कैसे आया, क्या आया वो देखो, इतनी बात समझ में आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी काम आने वाला है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, kmax ev0, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो करंट और पोटेंशियल के लिए ग्राफ ये आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, इतनी बातें क्लियर हैं, जो भी पॉइंट था मान लो नेक्स्ट 6 है। अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं करंट और पोटेंशियल के लिए, सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी फिक्स इंटेंसिटी चेंजेज, इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब सोर्स को आगे पीछे मूव करना, तो सोर्स को आगे पीछे मूव करने के लिए कैसा ग्राफ आएगा वो चेक करते हैं। देखो सुनना ध्यान से, एक ग्राफ तो ये आएगा बताया मैंने अभी, ठीक है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया माइनस वी नॉट, ठीक है। अब इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेज, करंट इंक्रीज होता है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो देखो इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो ये ऐसे आएगा, और इंक्रीज करूँगा तो ये ऐसे आएगा, ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री करंट आए। भाई हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, नो डाउट। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहा, ये चीज़ मुझे चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करूँ? देखो ध्यान सुन, एनोड पोटेंशियल को मैक्सिमम कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, ठीक है। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले इनिशियली आई वन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 100, सारे खींच लिए मैक्सिमम करंट। उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाई तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो 120 हो गए, तो पोटेंशियल और बढ़ेगा तो 120 खींच लिए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो करंट बढ़ा। ऐसे मान लो 150 हो गए तो वो बढ़ गए। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को पास आने से रोक दे। तो एक बात समझो मेरी, क्या यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी वो मान लो 0 से 20 के बीच थी, उसके बाद आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से एनर्जी 0 से 20 के बीच ही रही। क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कहता है कि ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा, इसका मतलब करंट तो बढ़ेगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो एनोड का पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को पास आने से रोक दे। इसको हमने इतना फिक्स किया हुआ है कि 0 से 20 तक की वेलोसिटी को रोक देगा, 0 से 20 तक की वेलोसिटी को रोक देगा, तो इसके लिए रोका। लेकिन जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े बट उसकी वेलोसिटी 0 से 20 से ज़्यादा नहीं हुई। क्योंकि अगर स्पीड 0 से 20 से ज़्यादा होती, मान लो 25 होती, तो 25 वाली वेलोसिटी को ये नहीं रोक पाता, और नहीं रोक पाता तो इसके अंदर आता तो करंट बढ़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब उसको रोकने के लिए इसको और नेगेटिव करना पड़ता, इसको रोकने के लिए और नेगेटिव करना पड़ता तो इसकी वैल्यू बढ़ती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बढ़ती है तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बढ़ती है तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता है। बट एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि ये सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट चेंज विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, स्पीड नहीं बढ़ती। क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई ये प्लेट थी, इलेक्ट्रॉन्स थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये इतना नेगेटिव है कि नहीं रोक पा रहा है इसको, मतलब रोक पा रहा है। सोचो अगर इसकी स्पीड हो गई 30 तो ये यहाँ पे पहुँच गया, तो और नेगेटिव करना पड़ेगा रोकने के लिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम आ रहा है इसका मतलब स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से स्पीड नहीं बढ़ती। क्लियर बात समझ में आ गई? ये पॉइंट्स क्लियर है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर भाई? ये बात मुझे समझ में आ गई। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या कहता है? ये हमें करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल के लिए ग्राफ लेना है। इंटेंसिटी फिक्स, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। तो एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए पहला ग्राफ क्या आता है भाई? माइनस वी नॉट वन ले लो, ये ग्राफ ये आया इस टाइप से। ये सैचुरेशन करंट आ गया, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया, फिल्टर को चेंज कर दिया, फिल्टर को चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिल्टर को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए? न्यू वन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मैंने ऑब्जर्व किया ये
वी नोट टू हो गया और ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये माइनस वी नोट थ्री हो गया और ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, वी सी ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आई करंट रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी को बढ़ने से करंट नहीं बढ़ता, जैसे इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ता था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ती, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज बिकम्स मोर नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट में कोई चेंज नहीं आता, बट फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ज़्यादा नेगेटिव क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा नेगेटिव कब करूँगा, जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी और वो इसके पास आ रहा है और ये उसको आने नहीं देना चाहता। अरे भाई मेरे सामने दुश्मन है, मैं रोक पा रहा हूँ, लेकिन और ज़्यादा ताकतवर आ गया और मैं उसको नहीं रोक पाया, तो मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो वैसे ही इसको अपना पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। इसका मतलब इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिज देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड इंक्रीजिज। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ती है और इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्या ये ग्राफ समझ में आए, आई और पोटेंशियल के लिए एक टाइम इंटेंसिटी फिक्स है, एक टाइम फ्रीक्वेंसी फिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई ये बातें मुझे समझ में आ गई। कितनी बात पॉइंट हो गए, छः। चलो सातवां पॉइंट देखते हैं, सेवंथ। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हम चेक करें तो ये ग्राफ ऐसे आता है। ऐसे क्यों आता है आगे एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू नोड क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, माइनस फाइव नोट बाई ई क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए, इलस्ट्रेशन ले ली जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ले ली, आपको दो ग्राफ दे दिए यहाँ पे, एम वन एम टू, न्यू नोट वन न्यू नोट टू। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई ये समझ में आ गया, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। फिलहाल आप ये देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली। अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा, डायरेक्टली है। नीचे लाएंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो है, ये बढ़ रही है, इसका मतलब न्यू जीरो टू ग्रेटर देन न्यू जीरो वन, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वर्क फंक्शन क्या होता है, फाइव जीरो टू क्या होगा, एच न्यू नोट टू, और 501 क्या होगा, एच न्यू नोट वन। तो ये ज़्यादा है सेकंड, तो 52 ग्रेटर देन 51, तो सेकंड का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अरे बोलो, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है इसका, तो कोई आपसे पूछ ले विच मेटल हैव ग्रेटर वर्क फंक्शन, कोई आपसे पूछे विच मेटल हैव ग्रेटर वर्क फंक्शन, तो क्या कहेंगे, सेकंड M2। क्या आंसर होगा हमारा,
M2 मेटल का परफेक्शन ज़्यादा है। कोई आपसे पूछे विच मेटल है ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसकी ज़्यादा है, सेकंड की। विच मेटल हैव ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो किसकी ज़्यादा है, M2 की। किसकी ज़्यादा है, M2 मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, M2 जो मेटल है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। बोलो क्या मेरी बात समझ आ गई, तो M2 मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई आपसे पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करो, तो ये भी ऐसा ही आएगा, ये माइनस फाइव नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कोई भी मेटल M फॉर एनी मेटल। तो यहाँ भी वही बातें, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी दो मेटल दे दी M1 और M2, किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी M2 इज मोर, वर्क फंक्शन ऑफ M2 इज मोर। तो बात तो वही आ गई, बात तो वही आ गई। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और देखें, कोई आपसे पूछे भाई करंट और टाइम के लिए ग्राफ बनाओ, तो अभी हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब जो फोटोन आया वो सीधा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कितने टाइम में बाहर आएगा, इस टाइप से आएगा, तो 10^-9 सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब करंट बनाएगा। तो इस टाइप से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं करंट और टाइम के लिए, क्योंकि सिंगल पार्टिकल कोलिजन है। एक बार क्वेश्चन आ गया था, CBSE ने पूछ लिया था, नेम द एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो मैंने बोला ना क्लासिकल इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम नेचर कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर क्या था इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्वांटम नेचर के बारे में बताता है। तो बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने पढ़ी, कैसे क्या ये बताता है सारा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वो बहुत आसान है, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लैंक ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, एक इक्वेशन बनाई, उन इक्वेशन का यूज करके IV ग्राफ को या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और बताते हैं कैसे क्या आता है उसके अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, तो ये सारा उसके बेस पे हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।